अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, ये मैंने आज एक नया डिज़ाइन तैयार किया है, लेकिन इसको टाइल की शक्ल दी है, तो इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ भी शेयर करूँगा कि ये कहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। तो पूरी तफसील आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये जो मैंने टेपिंग अपने बेस लगानी है, वाल पट्टी की बेस लगाकर अच्छी तरीके से उसको आपने रगड़ाई करना है रेगमार के साथ, वाटरप्रूफ रेगमार लेंगे आप। तो उसके बाद ऑयल पेंट जो वाइट कलर ले लें या ऑफ वाइट ले लें, बेस्ट है तो बेस्ट तो यही है कि जो आप वाइट या ऑफ वाइट इसी से ले लें, या इससे अलग आप हटकर भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो दियार कलर होगा या गोल्डन ब्राउन, उसको लाइट करके आपने अप्लाई करना है। तो जस्ट आपने ये करके उसको अच्छी तरह खुश करना है। खुश करने के बाद ये जो आपने मैं टेपिंग कर रहा हूँ, टेपिंग के करने के बाद जो टाइल नुमा आपने पेमाइश के साथ आपने ये टेपिंग कर लेनी है। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारा तफसील के साथ बताता रहूँगा, इंशाल्लाह आप देखते रहिएगा। ये जैसे मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे आपने ही भी ऐसे ही करना है। ये थोड़ा डार्क कलर है, डार्क ब्राउन है, इसको कलर को ये 687 नंबर ऑयल ट्यूब है ये, इसको आप अप्लाई करेंगे। इस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल लेंगे तो उसके बाद आप ऐसा 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 से बिल्कुल इसको बराबर जो आपने ऐड कर लेना है। ये थोड़ा मैंने डार्क कलर रखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा इसके लाइट करना चाहें वो भी हो सकता है, तो वो तो आप जगह की निस्बत के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे कि आपको डार्क पसंद है या लाइट पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो इसको आप अगर सीलिंग छत पे करना चाहें तो आपको फिर ऐसे टाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो फिर आप ऐसे करेंगे कि थोड़ा वक्फे वक्फे पे जब आपने टेपिंग कर लेनी है, ताकि ये जो वक्फा ज़्यादा ना हो, उसकी जो सतह आप बनाएंगे उसको तकरीबन 2 फुट 1.5 फुट के फासले पर ही बनाएं, ज़्यादा बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप वॉल पे कराना चाहें इसको नीचे वर्टिकल तरीके में जो है आप लाइनिंग कर लेंगे या टेपिंग कर लेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा। अगर टाइल नुमा आप बनाना चाहें तो ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले ये जो कलर अप्लाई करके उसके बाद जो अच्छी तरह उसको ठपना है, ठप के इसके बाद जो आप एक फुटबॉल लेंगे उसको आपने फोल्ड कर लेना है जैसे ही आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसमें आप 2 पॉइंट इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक का घूमने वाला डिजाइन है और दूसरे का जो जो आपको टेक्सचर नुमा नजर आ रहा है। और मज़ीद डिज़ाइन भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, हर हमारी वीडियो में आपको नए से नया डिज़ाइन मिलेगा इंशाल्लाह। ये आपने एक बार ही अप्लाई करके इसको छोड़ नहीं देना, ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा लेना है तो एक बार आपने मुकम्मल इसकी तैयारी कर लेनी है, उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है इसको इसी तरीके से। तो फिर उसके बाद जो लास्ट में आप करेंगे वो भी आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसके साथ। आपने ऑयल ट्यूब में जो ऑयल है, मिट्टी का तेल है, उसको कम से कम एक ऑयल ट्यूब में कम से कम 100 ग्राम या उससे थोड़ा सा कम आप डालेंगे, कम से कम।
बाकी मज़ीद जो होता है इसके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपने डार्क इसको इस्तेमाल करना है या लाइट करना है। तो वो जितना लाइट करना चाहेंगे उस हिसाब से आप मिट्टी का तेल डालेंगे, अगर डार्क करना चाहें तो उस हिसाब से डालेंगे। हर बार लगाने के बाद आप उसको थोड़ा सा जो आप लगा रहे हैं उसको थोड़ा साफ कर लेंगे।